तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स स्पाई यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरव। आज हम जो ISL का मैच कवर करने वाले चैनल में वो रहेगा FC गोवा वर्सेस हैदराबाद FC के बीच। इस मुकाबले का करते हैं डिटेल एनालिसिस। इसके बाद के दोस्तों जो दो मैचेस है लायन और अमीन्स और टॉटनम और साउथहैम्पटन, इन दोनों मैच की फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगी। इनका वीडियो तो नहीं आएगा लेकिन फाइनल SL टीम टेलीग्राम में मिलेगी। और इस मैच की जो ISL का मैच है इसकी भी 5 से 6 ग्रैंड लीग की टीम और एक फाइनल स्मॉल लीग की टीम आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ जाइए, सारे मैचेस टेलीग्राम में कवर होते हैं। अब चलते हैं इस मैच का करते हैं डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों बात करें FC गोवा और हैदराबाद की, तो FC गोवा ISL की टॉप की टीम है और हैदराबाद सबसे लोअर लेवल की टीम है। तो दोस्तों एक जमीन आसमान का फर्क दोनों टीम्स में के बीच में है। अब यहाँ पे दोस्तों आज रात 7:30 PM पे मैच शुरू होने वाला है। अब बाकी आप पॉइंट टेबल देखेंगे, सेकंड पोजीशन में FC गोवा 30 पॉइंट यानी कि कुछ गोल डिफरेंस के मामले में पीछे है। बाकी टॉप में ही लगा लीजिए हैदराबाद सबसे नीचे और सिर्फ 6 पॉइंट, तो इन दोनों टीमों के बीच 24 पॉइंट्स का फर्क है। तो यहाँ पे क्लियर फेवरेट्स FC गोवा होने वाले। लेकिन एक बहुत बड़ी बात FC गोवा के बारे में आगे को वीडियो में मैं बताता हूँ, उससे पहले आप लास्ट 3 मैचेस के रिजल्ट देखिए। हैदराबाद के देखिए, पहले 2-1 से यहाँ से उड़ीसा से हारे हैं, उसके बाद 1-1 ड्रॉ है, फिर पिछले मैच में 1-0 से बेंगलुरु से हारे, यानी कि पिछले 3 मैचेस में 2 हार और 1 ड्रॉ है, एक भी जीत नहीं है। लेकिन दोस्तों जब से इनके मैनेजर से हुए थोड़ा परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आई है। पहले शुरुआत के मैचेस में 4-4, 5-5 गोल भी खाते, लेकिन लास्ट कुछ मैचेस से ज़्यादा गोल नहीं खा रहे, लेकिन जीत फिर भी नहीं पा रहे। अब FC गोवा का देखिए बहुत शानदार फॉर्म में थे, हालांकि 2-0 से ATK से हारे, उसके बाद पिछले मैच में सेकंड लास्ट मैच में 3-2 से केरला ब्लास्टर को और पिछले मैच में 4-2 से उड़ीसा को हराया। और दोस्तों FC गोवा एक बहुत ज़्यादा गोल स्कोर मानने वाली टीम है, हालांकि डिफेंस पिछले कुछ मैचेस से इनका गोल खा रहा है। देखें यहाँ भी 2 खाए, यहाँ भी 2 खाए और यहाँ भी 2 गोल खाए हैं। अब दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच अभी तक इस सीजन में एक मुकाबला हुआ जो FC गोवा ने जीता, ये था मुकाबला, और यहाँ पे दोस्तों मनवीर सिंह का गोल आया था। बाकी आप पासेस देखिए, पोजीशंस, चांसेस क्रिएटेड सब यहाँ पे FC गोवा के ज़्यादा थे और आज भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों सबसे पहले प्रोबेबल लाइनअप से पहले एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। FC गोवा ने अपने स्टार जो इनके हेड कोच थे सर्जियो लोबेरा, उनको दोस्तों सैक कर दिया, यानी कि उनको टीम से बाहर कर दिया। और नंबर 2 पोजीशन में होने के बावजूद उन्हें क्यों बाहर किया गया ये निर्णय किसी को समझ में नहीं आ रहा, और फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे FC गोवा का फुटबॉल बहुत अच्छा लगता था और दोस्तों छोटे छोटे पासेज में खेलते थे यूरोपियन स्टाइल में। अब पता नहीं आज इनके जो इंटरिम मैनेजर है दोस्तों, वो आज मैनेजर होने वाले, तो देखते हैं अब ये कैसा खेलते हैं आज। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज भी जैसा सर्जियो लोबेरा के इंटर में ज़्यादा गोल्स मारते थे वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस करें। तो अब दोस्तों प्रोबेबल लाइनअप देखते हैं, फिलहाल ये प्रोबेबल है, इसमें कुछ अलग भी हो सकता है क्योंकि नए कोच आएंगे, तो दोस्तों माइंडसेट उनका अलग होगा, तो कुछ अलग प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन अलग बना सकते हैं। तो फिलहाल जो प्रोबेबल लाइनअप है वो लास्ट मैच वाली है एक तरीके से। नवाज इनके गोलकीपर होने वाले हैं। अब इनके जो 4 डिफेंडर्स है, पेनिया है, सेरिटन फर्नांडिस है, मुर्तादा फॉल है और मंदारा और दिसाई, चारों बहुत अटैकिंग है। खासतौर पर दोस्तों फॉल और पेनिया हेडर्स में बहुत गोल मारते हैं और पासिस बनाएंगे। मंदारा और दिसाई दोस्तों असिस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके कैप्टन भी है। सेरिटन का भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस रहा है। अहमद जहू और लेनी रेड्रिगस इनके सेंट्रल मिडफील्डर्स और दोनों बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। गोल्स और असिस्ट दोनों करने का इनके अंदर मादा है, हालांकि ज़्यादातर सेंट्रल ऑफ फील्ड में ही खेलते हैं। अब दोस्तों जैकी जन सिंह और ब्रेंडन फर्नांडिस खेलेंगे विंग्स में, और दोस्तों जैकी जन ने लास्ट मैच में 2 बहुत बेहतरीन गोल मारे थे। ब्रेंडन फर्नांडिस 5 असिस्ट दे चुके हैं और बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। ह्यूगो बोमा और फेरन कोरोमिनास इनके दोनों स्टार प्लेयर्स हैं, दोनों एज अ स्ट्राइकर ही खेलते हैं। दोस्तों अब फेरन कोरोमिनास इनके पेनल्टी टेकर भी और ह्यूगो बोमा भी बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, और ये दोनों बहुत ज़्यादा गोल्स मार रहे हैं इस सीजन। FC गोवा के वन ऑफ द मेन प्लेयर्स है जो गोल स्कोर कर रहे हैं। अब यहां हैदराबाद की देखिए, लक्ष्मीकांत कट्टीमनी इनके गोलकीपर होने वाले, शौविक चक्रवर्ती, किलगेलन, आदिल खान, आतीत रॉय इनके 4 डिफेंडर्स होने वाले, जिसमें कि शौविक चक्रवर्ती मुंबई सिटी FC से ही आए हैं अभी हैदराबाद में। किलगेलन और आदिल खान हेडर्स में अच्छे पासेस बनेंगे। आशीष रॉय ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हितेश शर्मा ये ATK से आए दोस्तों, नए प्लेयर हैं इनके, इनके साथ खेलेंगे मार्कोस टैंको भी सेंट्रल मिडफील्ड में, जो कि पेनल्टी टेकर है, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने पेनल्टी मिस की थी। तो दोस्तों आज देखना होगा इनको फिर से पेनल्टी मिलती है या फिर बोरबो या मार्सेलिनो में से कोई एक लेता है। निखिल पुजारी और जाइल बांस एक तरीके से अटैकिंग मिडफील्ड में खेलेंगे, दोनों का उतना खास कुछ परफॉर्मेंस रहा नहीं है। बाकी दोस्तों जो इनके 2 मेन प्लेयर्स हैं वो है मार्सेलिनियो और बोबो, जिनका नाम Dream11 में डी रोजेरो डी सिल्वा है। तो दोस्तों ये दोनों इनके सुपरस्टार्स हैं और सबसे ज्यादा गोल्स इन्हीं दोनों प्लेयर्स के हैं, तो इन्हीं पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा हैदराबाद का अटैक अगर इनको गोल स्कोर करने हैं तो। अब दोस्तों बाकी टॉप गोल स्कोर दोनों टीम्स के स्टैट में जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आप पूरे देख लीजिएगा। फेरन कोरोमिनास 9 गोल है, बूमो 6 है, जैकी जन 3, पेनिया, फॉल, रिलैनी, मनवीर, ब्रेंडन सबके 2-2, बाकी 2 के 1-1। अब यहाँ देखिए ब्रेंडन और फूमो के 5-5 असिस्ट भी है, जैकी जन के 3 है, फॉल के 2 है, बाकी सबके 1-1 है। फेरन कोरोमिनास के भी 3 असिस्ट दिखेंगे और मंदारा और देसाई के भी 3 असिस्ट दिखेंगे। यहाँ बोबो के अकेले 5 गोल है, मार्सेलिनो के 4, यानी कि ये 2 प्लेयर्स मिला के 9 गोल है। स्टैंकोविच के 2 गोल है, दोनों पेनल्टीज में,
किलगेलन रॉबिन का एक एक है, मार्सेलिनियो के दो असिस्ट भी हैं, बाकी सबके एक एक असिस्ट है। तो दोस्तों मैंने जल्दी जल्दी बताया टाइम की शॉर्टेज के कारण, आप इन स्टैट्स को वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टीम बनाने में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अब दोस्तों दोनों टीम से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं बता दूँ, पहले एफसी गोवा से कोरोमिनास, ब्रेंडन बूमो और फॉल, ये चार प्लेयर कन्फर्म लेने, साथ में जैकी जन सिंह का भी नाम ऐड कर लीजिए, पिछले कुछ मैचेस से अच्छी फॉर्म में। हैदराबाद से कुछ ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, उसमें मार्सेलिनियो बोबो कन्फर्म आपको लेने, साथ में स्टैंकोविच है, इसके अलावा आदिल खान भी एक बहुत बढ़िया इंडियन डिफेंडर है। अब दोस्तों प्रिडिक्शन, वैसे नए मैनेजर है, हो सकता है दोस्तों कुछ अटपटा रिजल्ट देखने को मिल जाए, हैदराबाद शॉक कर दे हो सकता है, लेकिन फिर भी क्लियरली फेवरेट्स हम एफसी गोवा को ही रखने वाले हैं। तो मेरी प्रिडिक्शन 2-1 है, जहाँ पे दो मारेगी तो एफसी गोवा के रिसेंट डिफेंडिंग उतनी अच्छी रही नहीं है, तो मेरे हिसाब से एक गोल खा भी सकती है। अब दोस्तों एफसी गोवा एक ऐसी टीम है 4-5 गोल भी इजीली किसी मैच में मार सकती है, तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अब दोस्तों फिलहाल मेरी प्रिडिक्शन 2-1 रहने वाली है। अब इस मैच में आपको एक 0-0 ड्रॉ, 1-0, 2-0 हैदराबाद, 3-0, 4-0 एफसी गोवा, ऐसे करके 5-6 अलग अलग ग्रैंड लीग की टीम्स बनानी है। अगर आपको नहीं बनानी आती तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां इस मैच की 5-6 ग्रैंड लीग की टीम और एक फाइनल स्मॉल लीग की टीम आपको मिलने वाली है। तो जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं, फिलहाल जो मैंने डेमो टीम बनाई है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों यह है टेलीग्राम चैनल, लगभग सारे मैचेस यहाँ कवर होते हैं देखिए, और सारे मैचेस की फाइनल GLSL दोनों की टीम सबको मिलती है, काफ़ी अच्छी हमारी विनिंग्स हो रही है। आज का मैंने शेड्यूल भी डाल दिया जिसमें इस मैच की GLSL दोनों टीम मिलेगी, रात के दोनों मैचेस की फाइनल SL टीम यही टेलीग्राम में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ जाइए। 369 लोग जुड़ चुके हैं और काफ़ी अच्छी आपकी विनिंग्स हो रही है। तो अब चलते हैं इस मैच की डेमो टीम। तो दोस्तों यह है मेरी डेमो टीम, जो मेरी प्रिडिक्शन 2-1 एफसी गोवा के फेवर में, जिसमें एफसी गोवा के मैंने 7 प्लेयर लिए और हैदराबाद के मैंने लिए हैं यहाँ पे 4 प्लेयर्स। अब मैं इस टीम में आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने दोस्तों जो एफसी गोवा के दो मेन डिफेंडर्स फॉल और पेनिया ले लिए, और एक मैंने नवाज इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट प्रॉब्लम के चलते हुए नवाज लिए, क्योंकि 8 क्रेडिट के यहाँ पे किलगेलन मैंने ले लिए, बाकी दोस्तों यहाँ बोबो मैंने लिए, मार्सेलिनियो लिए, और यहाँ से आदिल खान मैंने 8 क्रेडिट के लिए, स्टैंकोविच मैंने ड्रॉप किए क्योंकि स्टैंकोविच थोड़े ज़्यादा क्रेडिट ले रहे थे और पेनाल्टी के अलावा वैसे कुछ खास योगदान उनका रहा नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा रिस्क लिया। बाकी यहाँ से मैंने एफसी गोवा के 4 अटैकर्स में कोरोमिनास ले लिए, बूमो ले लिए, ब्रेंडन ले लिए और जैकी चंद सिंह ले लिए। तो दोस्तों कैप्टन मैंने क्लियरली कोरोमिनास किया, वाइस कैप्टन मैंने हुगो बूमो किए हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ चेंजेस आपको करने, तो एक बार मैं चेंजेस करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड लाइन में एक यही दो मेन प्लेयर थे एक तरीके से, यहाँ पे और कोई मुझे लग नहीं रहा खेलेगा, एक जाइल बांस खेल सकते हैं हालांकि उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो इन्हें आप GL में ट्राई कीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए मिडफील्ड में बूमो, जैकी चंद, मार्सेलिनियो, आदिल खान और ब्रेंडन में ले लिए, स्टैंकोविच इसलिए नहीं लिया 9 क्रेडिट के, तो यहाँ पे क्रेडिट प्रॉब्लम की वजह से, वैसे पेनाल्टी टेकर है आप चाहे ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको एक इन तीनों में से बड़ा प्लेयर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो आप चाहे तो जैकी चंद को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, हालांकि लास्ट मैच में इन्होंने 2 गोल मारे हैं। अब यहाँ फॉल और पेनिया मैंने दोनों लिए, और मैंने 8 क्रेडिट के किलगेलन लिए, और मैंने गोलकीपर यहाँ पे एफसी गोवा के लिए, मैं चाहे तो कमलजीत ले सकता था, ये कट्टी मनी ले सकता था सॉरी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे ज्यादा चांस क्लीन शीट के एफसी गोवा के लग रहा है, तो इसलिए मैं क्लीन शीट सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे नवाज को लिया है। तो दोस्तों बाकी मेरे कैप्टन कोरो रहेंगे, वाइस कैप्टन मेरे बूमो रहेंगे। अगर आपको लगता है यहाँ से हैदराबाद का गोल आएगा तो इन दोनों में से किसी एक को वाइस कैप्टन कर सकते हैं, दोनों अच्छी चॉइस है, नहीं तो दोस्तों आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो 3 मेंबर 4 मेंबर में, तो आप बूमो को कैप्टन भी कर सकते हैं और कोरो को वाइस कैप्टन कर सकते हैं, या कोरो को कैप्टन करके ब्रेंडन या जैकी चंद में से किसी को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। फिलहाल सेफ चॉइस यही दोनों रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, अब इस मैच की 5-6 ग्रैंड लीग की टीम, एक फाइनल स्मॉल लीग की टीम आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।